नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमर राउत और फाइनली मेरे पास आ गया है रेडमी नोट 5 प्रो का ब्लैक वर्जन। तो चलिए फटाफट से इसे ओपन कर लेते हैं, देखते हैं अंदर क्या है, कैसा है, क्यों है। सो लेट्स बिगिन। सो मैंने इसे खोल लिया है। इसके अंदर स्टार्ट में आपको एक कवर मिलता है जो कि काफ़ी अच्छी बात है। एक रबर टाइप कवर है जो हमको कंपनी की यानी कि एमआई की तरफ से हमको ये मिल गया है, और ये ब्लैकिश कलर का है। अगर आप देख सकेंगे, आपको यहाँ पे अगर नहीं दिखता होगा तो ये देखिए, वाइट के ऊपर आपको रख रही कलर की ब्लैकिश टाइप में, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। सो इसके बाद हमको मिलता है फ़ोन, जिसका मैं काफ़ी दिनों से, काफ़ी महीनों से इंतज़ार कर रहा था। हमको फ़ोन मिलता है तो चलिए फटाफट से इसे हम अनबॉक्स कर लेते हैं, सॉरी ओपन कर लेते हैं। तो ये ओपन होने तक मैं इसके स्पेसिफिकेशंस आपको बोल देता हूँ। इसमें आपको मिलता है स्नैपड्रैगन का 636 प्रोसेसर और 5.9 इंच की फुल एच डी प्लस डिस्प्ले, 12+++5 मेगापिक्सल का डुअल कैमरा, 64 GB इंटरनल और 4 GB रैम मिलती है, और 4000 mAh की आपको हाई कैपेसिटी टाइप की बैटरी मिलती है। लिखा है मेड इन इंडिया। तो चलिए, हमारा फ़ोन तो स्टार्ट हो गया है, लाइटनिंग फास्ट ऐसे यहाँ पे। अगर आप इसकी बॉडी अगर देखेंगे, ये लोडिंग ऐप्स हो रहा है तो इसको लोडिंग होने देते हैं। यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो यहाँ पे ये देखिए, इसमें एक सिम स्लॉट है। इसमें यहाँ पे पीछे फिंगरप्रिंट सेंसर, यहाँ पे ड्यूअल कैमरा और ड्यूअल एलईडी टोन दिया गया है। नीचे से आपको साउंड, माइक्रो USB 2 USB फॉर चार्जिंग, और यहाँ पे हेडफोन जैक, यहाँ पे नॉइस कैंसलेशन स्लॉट साउंड, यहाँ पे राइट में लॉक लॉक का बटन, और वॉल्यूम अप एंड डाउन। यहाँ पे फ्रंट कैमरा जो कि 20 मेगापिक्सल का दिया गया है। इसके फ़ोटो मैंने देखे, काफ़ी अच्छे आते हैं। और ऊपर जो कि शाओमी की खासियत है, इंफ्रारेड सेंसर, इतना कुछ आपको इसमें दिया गया है। काफ़ी स्लिम देखने को मिलता है फ़ोन ये, अगर हम देखेंगे तो देखिए। और इसकी स्क्रीन भी थोड़ी देखिए राउंड टाइप में है, अगर आप देखेंगे तो। और बॉक्स कंटेंट्स जो कि आपको नहीं चाहिए, यानी कि उसके डिटेल्स देना कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी मैं सिर्फ ये चार्जर की आउटपुट क्या है ये आपको बता देता हूँ, जो कि है 5 वोल्ट एट 2 एम्प, अगर आप इसको देख सकेंगे तो। आई थिंक आपको दिखाई दे रहा होगा। सो हमारा फ़ोन स्टार्ट हो गया है। अगर हम इसकी रैम पहले हम देखते हैं तो हमको इसमें देखिए, यहाँ पे पहले हमको यहाँ पे एक अपडेट मिल गया है 106 MB का, तो वो हम बाद में कर लेंगे। तो MIUI का हमको यहाँ पे MIUI 9 इसमें देखने को मिलता है। 4 GB रैम है, इंटरनल स्टोरेज 64 GB में से आपको 52.45 GB आपको मिलता है। तो बस इतना ही, आगे इसके बहुत टाइप के वीडियो मैं अपलोड करने वाला हूँ, जैसे कि कैमरा कंपैरिजन हो और गेमिंग कंपैरिजन हो, ऐसे बहुत सारी वीडियो मैं अपलोड करने वाला हूँ। तो स्टे ट्यून, टिल देन बाय।